नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि आंखों की बीमारी में सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है सफ़ेद मोतिया। ये लगभग सब लोगों को उम्र के साथ आना ही आना है। और सफ़ेद मोतिये के लिए जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, वो है रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी या फ्लैक्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी की कैसे जाती है और इसमें आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं करा के। दोस्तों, कैटरेक्ट सर्जरी में रोबोटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? कैटरेक्ट सर्जरी में रोबोटिक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं कैटरेक्ट सर्जरी के जो हाईली डिपेंडेंट हैं डॉक्टर के स्किल पे। अगर वो डॉक्टर का स्किल प्रॉपर नहीं है तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। इस जगह को लेके, इस एरिया को लेके रोबोटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि जो हम इंसीजन देते हैं, छोटा सा होल बनाते हैं आँख में, उसकी प्रिसीजन वो किस एंगल पे बनाना है, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होता है। हम आँख का सारा डाटा रोबोटिक्स मशीन में भर देते हैं और वो इंटेलिजेंटली गेस करती है कि हमें किस साइट पे इंसीजन देना है, लेंस डालना है, और लेंस की जो सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए रोबोटिक्स का सबसे बड़ा रोल है। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन में लेंस का प्रॉपरली सेंटर होना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। आजकल जैसे कि मल्टीफोकल लेंसेज या टॉरिक लेंसेज डलने लग गए हैं, उनमें सेंट्रेशन का रोल और भी ज़्यादा आ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक सर्जरी मशीन जो है, उसमें जब पेशेंट का सारा डाटा आँख का भर दिया जाता है तो मशीन मोतिये के ऑपरेशन में जो लेंस की सेंट्रेशन चाहिए होती है उसका मापदंड खुद बनाती है और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है, जो कि रिप्रोड्यूसिबल होता है और बार 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 सेम मेजरमेंट का और बिल्कुल सेम जगह पे वो लेंस की सेंट्रेशन बना सकती है। सो रोबोटिक सर्जरी की वजह से आँख में जो मोतिये के ऑपरेशन के रिजल्ट्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंट हो गए हैं, रिप्रोड्यूसिबल हो गए हैं। और जो सर्जन स्किल्स थे वो जब रोबोटिक सर्जरी के साथ मिल जाते हैं तो ये आपको कैटरेक्ट सर्जरी में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी मशीन जो है वो बेसिकली तीन स्टेप्स परफॉर्म करती है कैटरेक्ट सर्जरी में, जिसमें पहला स्टेप है आँखों में वो छेद का बनाना जिससे हमने लेंस अंदर इंजेक्ट करना है या जिसके थ्रू हमने मोतिये को बाहर निकालना है। तो मशीन जो वो छेद बनाती है वो बिना ब्लेड के लेज़र कट से होता है, इसलिए वो जख्म दो दिनों में ही भर जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दूसरा स्टेप जो रोबोटिक मशीन द्वारा किया जाता है वो है जो कैटरेक्ट का इंटीरियर कैप्सूल होता है, उसमें हमें एक राउंड सर्कल बनाना होता है जिसमें से हमें सारा मोतिया बाहर निकाल के लेंस उसके अंदर इंजेक्ट करना होता है। तो रोबोटिक मशीन में अगर हमने फीड कर दिया कि हमें वो सर्कल, वो होल 5 मिलीमीटर का चाहिए, तो वो हर बार वो सर्कल 5 मिलीमीटर का और बिल्कुल राउंड सर्कल बनाएगी, जिसकी वजह से लेंस की सेंट्रेशन हमेशा 100% एक्यूरेट रहेगी। और दोस्तों, जो तीसरा स्टेप रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया जाता है वो होता है कि जो मोतिया है उसको जो पीस में हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, रोबोटिक सर्जरी लेज़र द्वारा बिना किसी फेको मशीन या अल्ट्रासाउंड पावर यूज़ किए बिना ही लेज़र द्वारा वो मोतिये के 4 या 8 हिस्सों में, वो कट्स में डिवाइड कर देती है उसको, जो कि पीस निकालने बाद में बहुत ही आसान हो जाते हैं सर्जन के लिए। तो दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी की वजह से ये जो पूरी सर्जरी है ये बहुत ही एक्यूरेट हो जाती है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हर बार सेम रिजल्ट, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट दे पाती है। रोबोटिक मशीन सुनने में ऐसा लगता है कि रोबोट ही सब कुछ कर देता है, बट ऐसा नहीं है। अभी भी सर्जन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्जरी की सारी प्लानिंग करना प्लस रोबोटिक सर्जरी जो 3 स्टेप्स कर देती है, उसके बाद जो मोतिये को निकालने का स्टेप है और लेंस को डालने का स्टेप है, वो पार्ट अभी भी सर्जन डिपेंडेंट रहता है। और अल्टीमेटली सर्जन और ये मशीन का एक कंबाइंड एफर्ट की वजह से यू गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट इन कैटरेक्ट सर्जरी।